हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कल मेडिकल हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट रायबली में, उसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और कितने नहीं पास हुए यानी फेल हुए हैं। तो इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। और भी औरैया डिस्ट्रिक्ट और का भी मुझे कुछ न्यूज़ मालूम हुआ है, तो उसका भी मैं और अम्बेडकर नगर का भी है, तो मैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कहाँ से कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं और कहाँ से कितने विद्यार्थी असफल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये PDF है हमारे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का, जिन बच्चों का कल मेडिकल था। तो 100 बच्चों का यहाँ पे मेडिकल था, तो इसमें आप देख लेते हैं यहाँ पे कितने सफल हुए हैं और कितने असफल हुए हैं। तो ये हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक असफल, हम यहाँ पे असफल को अलग गिन रहे हैं, ठीक है। दो, तीन, तीन ये होगा, चार, पाँच, छः और ये सात। तो यहाँ पे 100 बच्चों का कल पूरा यहाँ पे हुआ था मेडिकल, जिसमें 7 बच्चे फेल हो गए हैं और यहाँ पे जो एक बच्चा है जो ये अनुपस्थित भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ टोटल फेल की बात की जाती है तो 7 बच्चे यहाँ पे, 100 में से 7 बच्चे बाहर हुए हैं। और औरैया की बात करते हैं, वहाँ पर 40 बच्चों का मेडिकल हुआ था। जी हाँ, 40 बच्चों का, जिसमें 40 में से 5 बच्चे फेल हो गए। तो यहाँ पे बहुत ही टफ हो रहा है। और बात करते हैं बुलंदशहर की, वहाँ भी कल मेडिकल हुआ, यहाँ पे 63 बच्चों का मेडिकल हुआ था, 63 का। तो उसमें से 22 बच्चे वहाँ बाहर किए गए, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो फ्लैट फुट के वजह से बाहर हुए हैं, ठीक है, फ्लैट फुट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना टफ हो रहा है मेडिकल। लेकिन एक बात है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा उनको रियायत बरती जा रही है, मतलब उनको री मेडिकल के लिए बुलाया गया है, तो ये एक बात ठीक है। लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अनफिट करना, और सफल जो विद्यार्थी थे उसमें से केवल जितनी वैकेंसी थी उतने ही सफल हुए हैं, और इतने ज़्यादा अगर बच्चे बाहर हो जाएंगे तो इसमें कोई बात जाहिर हो रही है कि कुछ बच्चे जो वैकेंसी है वो बच्चों की खाली निकल जाएगी, ये बात साफ जाहिर हो रही है अगर इतने ज़्यादा ये असफल बच्चे यहाँ पे करते हैं। 63 बच्चों में 22 बच्चे कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सबका हो जाए, सबको जॉब मिल जाए, क्योंकि आज के ज़माने में अगर जिसके पास जॉब है वही सबसे बड़ा राजा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही अपडेट्स पल पल के खबरें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।